Welcome to Rocketship, the platform with the most relevant content for competitive examinations. This is the 27th lecture in our series on General Studies One-Liners. While prepared with SSC CGL in mind, this series is relevant for other exams like those conducted by SSC, by IBPS, by insurance companies, ACIO, CAPF, and so on. This series and the lecture will be delivered bilingually, that is in both English and Hindi. Yes, jo lectures hain wo Hindi aur English dono mein honge. So let us begin with the first question, that is, read it carefully. To be elevated as a judge of the Supreme Court, one must have practiced as a lawyer of high courts for at least 10 years. What it means, if you want to be considered as a candidate for judgeship of Supreme Court, you must have practiced in a high court or more than one high court for at least 10 years as a lawyer. अगर किसी को Supreme Court के न्यायमूर्ति के लिए consider किया जा रहा है, तो उनके पास वो कम से कम जो है एक या एक से ज़्यादा high court में कम से कम 10 साल तक उन्हें वकील के तौर पे प्रैक्टिस किए हुए होना चाहिए. अ प्लैनेट दैट इज टिल्टेड ऑन इट्स साइड, द आंसर इज यूरेनस. व्हाट इट मींस दैट यू नो दैट अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 23.5 degrees. दैट मींस द अर्थ्स पोल्स आर एट एन एंगल ऑफ ऑलमोस्ट 67 degrees टू द सन. In the case of Uranus, its poles face the sun. That means its poles, iske jo dhruv hain, ye surya ki taraf jo hai ghume hue hote hain. So it is called tilted on its side. Uranus ya Arun jo hai wah apne ek side ke taraf jo hai tilted hai. The state that produces 45% of India's mulberry silk is Karnataka. Karnataka is the leading producer of silk in India and it produces 45% of India's mulberry silk. Karnataka, जो कि भारत में रेशम के उत्पादन में अग्रणी है, यह सहतूत से बने हुए सिल्क का, सहतूत से पर उगाए जाने वाले सिल्क का, रेशम का लगभग 45% अकेले यही उपजाता है कर्नाटक. लेपक्षी टेम्पल्स आंध्र प्रदेश वो बिल्ट ड्यूरिंग विजयनगर रूल. लेपक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में हैं, यह जो है विजयनगर साम्राज्य के काल में इन्हें बनाया गया था. लेपक्षी टेम्पल्स आंध्र प्रदेश आर स्पेसिमेंस ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर, विजयनगर स्थापत्य कला के ये उदाहरण हैं लेपक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश. वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड द कोलोसस वॉज इन रोड्स ग्रीस. प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक द कोलोसस जो है वह कहाँ था, उत्तर है या रोड्स या ग्रीस में था. द कोलोसस वॉज अ लार्ज स्टैचू ऑफ हेलियोस द ग्रीक सन गॉड, ग्रीस के सूर्य देवता हेलियोस की यह प्रतिमा थी और यह जो है वर्तमान के रोड्स जो कि ग्रीस में है वहाँ थी एक समय स्थापित. तुलसी लेक इज इन मुंबई, तुलसी झील कहाँ है, उत्तर है या मुंबई में है. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड चार्टर इन द ईयर 1600 CE. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब राजाज्ञा मिली थी, उत्तर है 1600 CE में यह राजाज्ञा मिली थी. बाय दिस चार्टर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्रोवाइडेड मोनोपली ऑन ट्रेड ऑफ सम गुड्स विद इंडिया. इस राजाज्ञा के द्वारा इसे कुछ वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार मिला था. टर्निंग ओवर, होर्सले हिल्स इज अ हिल स्टेशन इन आंध्र प्रदेश. होर्सले हिल्स जो है वह कहाँ एक स्थित हिल स्टेशन है, उत्तर है या आंध्र प्रदेश में है. सिफिलिस
इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस जो है वह एक यौन जनित रोग है जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। सतकोसिया गोर्ज हैज बीन कार्ब्ड बाय विच रिवर। द आंसर इज महानदी। सतकोसिया खड्ड जो है वह किस नदी के द्वारा बनाई गई है, उत्तर है या महानदी के द्वारा बनाई गई है, विच यू प्रोबेबली नो दैट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सतकोसिया गोर्ज हैज बीन कार्ब्ड बाय विच रिवर। सतकोसिया खड्ड जो है वह किस नदी के द्वारा बनाई गई, उत्तर है या महानदी के द्वारा बनाई गई है, जो कि उड़ीसा की एक नदी है, उड़ीसा में मुख्यतः बहने वाली नदी है। एंड दिस इज ऑल्सो द साइट ऑफ सतकोसिया गोर्ज नेशनल पार्क। सतकोसिया गोर्ज राष्ट्रीय उद्यान के भी जो है वो यहीं पर है। दिस सिटी वॉज कॉल्ड लंडन ऑफ इंडिया। द आंसर इज कोलकाता। कलकत्ता को एक समय भारत का लंदन कहा जाता था। दिस क्वेश्चन यू मस्ट रीड इट केयरफुली। थ्री पीज ऑफ मॉडरेट स्ट्रैटेजी स्टैंड फॉर प्रेयर पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट। नरम दल के नेताओं के की रणनीति का तीन पी जो है वह किसके लिए स्टैंड करता है, उत्तर है यह प्रेयर के लिए यानी प्रार्थना के लिए, पिटीशंस के लिए मतलब कि स्मार पत्र के लिए, वह अगर ये दोनों चीज़ें फेल हों तो प्रोटेस्ट या फिर विरोध प्रदर्शन के लिए। सो दीज थ्री पीज वर द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाई मॉडरेट लीडर्स। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रीड इट केयरफुली। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन गिव्स अस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद से जब अवमूल्यन को घटाया जाता है तो यह शुद्ध घरेलू उत्पाद देता है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस अवमूल्यन इज इक्वल टू शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज व्हेन डेप्रिशिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2034 एशियन गेम्स आर प्लान्ड एट रियाद सऊदी अरेबिया। 2034 के एशियाई खेल कहाँ होने वाले हैं, उत्तर है ये सऊदी अरब के रियाद नामक शहर में होने वाले हैं। मूविंग ऑन, घुग्गुस महाराष्ट्र यील्ड्स विच मिनरल। द आंसर इज कोल। घुग्गुस महाराष्ट्र से किस खनिज का उत्पादन होता है, उत्तर है ये कोयले का उत्पादन होता है यहाँ से। तेभागा मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन बंगाल। तेभागा मूवमेंट ऑफ 1946-45 वॉज अ मूवमेंट बाई शेयर क्रॉपर्स बटाईदारों द्वारा ये जो है एक मूवमेंट था, उनके द्वारा लाई गई एक क्या कहते हैं एक विरोध था। By which they said that they would not part with more than 1/3 of their share to the landlord. मतलब बटाईदारों ने कहा कि हम जो है ज़मींदारों को एक तिहाई से ज़्यादा जो है प्रोड्यूस नहीं देंगे, एक तिहाई से ज़्यादा जो है वो उपज नहीं देंगे। इसके पहले वो जो है आधा उपज जो है वो लैंडलॉर्ड्स को ज़मींदारों को देते थे। वंस अगेन, तेभागा मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट बाई पीजेंट शेयर क्रॉपर्स ऑफ वेस्ट बंगाल बाई विच दे सेड दैट दे वुड नॉट पार्ट विद मोर देन 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस टू द लैंडलॉर्ड टू द जमींदार। द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्रांसियम 87। फ्रांसियम हुज एटॉमिक नंबर इज 87 इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्रांसियम जिसका आणविक संख्या जो है 87 है वह जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। एंड फ्रांसियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यह जो है एक रेडियोधर्मी तत्व है। अरिकामेड़ू वॉज एन एंशियंट पोर्ट इन
पुदुचेरी। अरिकामेडु कहाँ अवस्थित एक प्राचीन बंदरगाह था? उत्तर है यह पुदुचेरी में अवस्थित जो है एक प्राचीन बंदरगाह था। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन केयरफुली। विटिंगम, गुड इनफ एंड योशिनो वर अवार्डेड द 2019 केमिस्ट्री नोबेल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। वंस अगेन, लिथियम आयन बैटरी वॉज डेवलप्ड बाई विटिंगम, गुड इनफ एंड योशिनो फॉर विच देवर अवार्डेड द 2019 केमिस्ट्री नोबेल। लिथियम आयन बैटरी का डेवलपमेंट जो है विटिंगम, गुड इनफ एवं योशिनो नाम के तीन शोधकर्ताओं ने किया था, जिसके लिए इस कार्य के लिए उन्हें 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया वॉज अप्सरा मुंबई। भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कौन सा था? उत्तर है यह अप्सरा मुंबई था। बनाना सिटी ऑफ इंडिया इज जलगांव विच इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जलगांव को ही भारत का केला शहर भी कहते हैं, केलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। किस राज्य में सबसे ज़्यादा सहकारी संस्थाएं हैं? उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिस वन, विच एनिमल्स रेस्पायर विद बोथ लंग्स एंड ट्रैकिया? द आंसर इज सम स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स, सम स्पाइडर स्पीसीज। मकड़ियों की कुछ प्रजातियाँ जो हैं वह फेफड़ों एवं ट्रैकिया नाम के अंग के द्वारा भी सांस लेती हैं। हुंटा डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? द आंसर इज संथाल ट्राइब, विच इज अ यू नो द नेटिव ऑफ झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। हुंटा जो है वह एक प्रकार का शिकार के पहले किया जाने वाला नृत्य है। इट इज अ हंटिंग डांस विच इज परफॉर्म्ड बाय द संथाल ट्राइब्स। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 अगस्त। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है यह हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। दिस कमेमोरेट्स द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया। ऑल राइट, विल रैप अप आवर लेक्चर फॉर टुडे, विल रीअसेंबल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इन अ फ्यू डेज। मीनवाइल कीप रिवाइजिंग योर नोट्स एंड डू अ फ्यू टेस्ट्स। Do like, subscribe and share the good words with your friends. Your feedback, your comments are most appreciated. We wish you all the best. Thank you.